हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हमारे घर पे है ना सब्जी ख़त्म हो रखी थी, तो मैं और मम्मी सब्जी मंडी गए थे और ये जो सब्जियां हैं ये लेके आए हैं, जिसमें हरी मिर्च और प्याज तो नेसेसरी है, जो हर सब्जी में गिरती है लगभग, तो ये तो लानी ज़रूरी थी। ऊपर से दो चार सब्जियां और ले आए, क्योंकि बार बार सब्जी मंडी में नहीं जाया जाता, हम तीन चार दिन में एक बार जाते हैं, तो हम हफ्ते भर की लेके आ जाते हैं। और हफ्ते भर में बीच बीच में कभी दाल वगैरह भी बना लेते हैं। और ये मैं गाजर लेके आया था, क्योंकि मैं मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी गाजर का हलवा बना देना, तो इस वजह से हम थोड़ी सी गाजर ले आए। तो दोस्तों, ये जो आप सफ़ेद पेठा देख रहे हो, इसका हम जूस पीते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो कोई भी फास्ट फूड हम खाते हैं या फिर खाया है पहले, उसके कुछ ना कुछ पार्ट हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, और हमारी इंटेस्टाइन जो है वो उसको ऑब्जर्व करके रखती है, और उसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी आ गई, सिर में दर्द भी होना हो गया, मतलब लगभग हर बीमारी, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, वो इन्हीं वजह से होती है। तो वो जो इंटेस्टाइन है उसको साफ़ करने के लिए सफ़ेद पेठे का जूस पिया जाता है। तो आप सुबह सुबह मतलब सफ़ेद पेठे का जूस पिएं, और दो घंटे तक, या फिर आपसे दो घंटे भूखा ना रहा जाए तो डेढ़ घंटे या फिर एक घंटे तक भूखा रहें ये जूस पीने के बाद में, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके। क्या कर रहा हूँ मैं? यसु दिखा तो। मैं कर रही हूँ। यसु अपना फेस दिखाओ। मिर्ची का अचार डाल लूँगी मैं, मिर्ची का अचार। मिर्ची का, हाँ मिर्ची का अचार बता दे। छोटी की है ये दो। और आज है ना मेरी छोटे वाली बहन घर पे आई है, क्योंकि इनके घर पे है ना काम चल रहा है काफ़ी दिन से, तो ये लोग आ नहीं पा रहे थे, तो आज है ना वो मिस्त्री आए नहीं, और यही बात मम्मी को ये बता रही है कि मिस्त्री आए नहीं थे और हम बाज़ार गए थे, और आते वक्त इधर आ गए आपसे मिलने के लिए। और मम्मी भी परसों इनको फ़ोन पर कह रही थी कि एक बार टाइम लगे तो इधर आना, मेरे को मिलना है तुमसे। और अब दोस्तों यस्सू भी ज़्यादा बोलने लग गई है, और इसने आते ही अपना टोपा निकाल दिया था। इधर आ, दिखा मेरे को क्या लगाया है। क्या लगाया है? इधर इसने लगाई नहीं है, दिखा दिखा क्या लगाया है। बिंदी के अलावा क्या लगाया है? लिप्स पे क्या लगाया है? सुंदर है ना, इसको लिपस्टिक एक वाला लगा कर बहुत सुंदर है। मम्मी कांगन बनाओ, ये जेब कर दो। पैसे है हमारे पास, कुछ नहीं है। यसु हम चलते हैं नदी उंगली प्यारे से देख, ऐसे कर ऐसे वहां जाके गाल पे खड़ोगी, गाल पे गाल पे गाल पे तो अभी ये लोग जा रहे हैं, और इनके पास इतना ही टाइम होता है। और यही फायदा होता है कि अगर आप एक ही शहर में रहते हो तो आप मिल सकते हो अपने मायके वालों से। राजू भाई टाटा बाय, सॉरी पड़ा मैं कभी। ये लोग गए तब 5:30 बज चुके थे दोस्तों, और इस वजह से है ना दूध का भी टाइम हो गया था, तो मम्मी और भाई दूध लेने गए हैं, और मैं इधर ये जो गाजर का हलवा बनाना है हमको, तो उसके लिए तैयारियां कर रहा हूँ। तो हम 2.5 किलो गाजर लेके आए थे दोस्तों, तो ये मम्मी ने काफ़ी टाइम पहले छील दी थी, मगर बहन आ गई थी तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया प्रोग्राम। तो अभी जो है मैं ये छील रहा हूँ, और इसमें है ना काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने है ना 45 मिनट, तो मान ही लो 45 मिनट लग गए होंगे मेरे को ये सारी गाजर को ये कसने के अंदर में ही। तो दोस्तों अब मम्मी है ना दूध लेके आ गई है, और दूध हमने गैस पे चढ़ा दिया है, और साथ में जो गाजर है ये भी इस पे चढ़ा दी है,
और बाकी की जो दो चार गाजर बची हुई हैं वो मैं कस रहा हूँ, वो मैं बाद में डाल दूंगा इसके अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक मग जितना दूध हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अभी ये जैसे जैसे गर्म होता रहेगा वैसे वैसे ये पकती रहेंगी। फिर मेरी भाभी ने बोला कि मैं इधर रोटियां बनाऊंगी, तो दूध गर्म हो गया तो दूध हटा दिया था और उस वाली गैस के ऊपर ये कढ़ाई हमने रख दी थी। तो हम बाहर बैठे थे क्योंकि मम्मी को मिर्चें भी डालनी थी, तो मम्मी मिर्च साफ़ कर रही थी, तो उसी के अंदर है ना ये इस कढ़ाई के अंदर लग गया था। तो ये कढ़ाई हमने उतार दी और ये दूसरी वाली कढ़ाई के अंदर हमने वापस से डाल लिया, और जैसे ही दूध उड़ा उसके बाद में हमने ये थोड़ा सा खोआ लेके आए थे हम आज सुबह ही मार्केट से, वो डाल दिया इसके अंदर। तो इसमें चलाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, मेरे हाथ मतलब जवाब दे चुके थे जब तक मैंने ये कंप्लीट किया, क्योंकि मैं मम्मी को तो चाहता नहीं कि मम्मी इधर खड़े रह के करती रहे, क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, तो वो ज़्यादा देर तक खड़ी रहती तो हो सकता है कि बाद में घुटनों में दर्द रहे। तो मैंने मम्मी को तो बैठा दिया था कि मम्मी आप बैठ जाओ मैं कर लेता हूँ, मगर ये जो हाथ है मेरे ये दर्द करने लग गए थे क्योंकि मैंने पहले कभी ये नहीं किया है। और ये दूध है ना, दूध तो जल गया, उसके बाद में ये जो इसके अंदर खोआ डाला है ये भी जलाना है, उसके बाद में जो चीनी डालेंगे वो भी जलानी है, तो इन सबको जलाना है। और जब तक ये जलेंगे ना तब तक आप लोग परेशान हो जाओगे, तो ये लेडीज़ कैसे करती हैं मेरे को समझ में नहीं आया। और ये जब चीनी डाल दी थी हमने तो ये जैसे जैसे उबल रहा था तो वो छिट्टे मेरे ऊपर आ रहे थे, और ये जो मैंने पहन रखी है स्वेटर इसके ऊपर उछल उछल के गिर रहे थे। तो मैंने गैस थोड़ी सी सिम कर ली थी और मेरी मम्मी ने बताया था कैसे सिम करके इसको हल्के हल्के चलाना है बस, जिससे ये छिट्टे तेरे ऊपर नहीं आएंगे। तो मैंने वैसे किया तो नहीं हुआ, फिर बाद में ये बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों। तो मेरी मम्मी ने मेथी और राई तो मिक्स कर दी है इसके अंदर, ये सौंफ डाल दी है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और इस मसाले में थोड़ा सा तेल डाल के हल्दी भी डालोगे आगे, तो हल्दी भी डाल दी है दोस्तों। और अब डलेगा नमक, ये काला नमक है, सफेद भी डाल सके, सफेद भी डाल। और अब डलेगा सरसों का तेल, ये धो के पूछ ली, पहले मिर्चों को धोना है, बाद में पोंछ लेना है, फिर उनको कट करना है, और उसके बाद में उसमें ये मसाला भरना है। तो मैं ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ये मम्मी ने जो डाई करते हैं वो ग्लव्स निकाल लिए हैं और वो पहन लेगी ताकि हाथों में मिर्ची लगे नहीं। और जो मैंने हलवा बनाया है दोस्तों, मैंने टेस्ट करके देखा है, मेरे हाथों में जादू है, ये मसाला मिक्स कर लेना दोस्तों। नो तो खिंडा दोगा तुम मसाला नहीं पूरा ना घेर घेर के, और ये मिर्च के अंदर डाल लेना है। दिखाओ, मैं तो वो पहले मिर्च तुम पटकी थी ना वो सारा नीचे आए पड़ो गए डब्बा में, वो की बताओ तो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।